नमस्कार स्टूडेंट, टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ नाउन। आज हम रिवाइज करेंगे द टॉपिक नाउन। आज हम नाउन के टॉपिक को रिवाइज करेंगे विच वी हैव डन अर्लियर इन आवर वीडियोज, जो कि हमने लास्ट वीडियोज में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। बट टुडे वी विल डू द रिवीजन, हम इसकी रिवीजन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग द नाउन। हम नाउन को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है? सो यू ऑल नो दैट नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन जो है प्लेस के, पर्सन के, एनिमल के और थिंग्स के नाम है। तो इट मीन्स नाउन आर द नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। हम इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी क्या, अनकाउंटेबल थिंग्स हैं हमारे आसपास। दैट कैन बी अ ह्यूमन बींग, दैट कैन बी अ पर्सन, दैट कैन बी एनी एनिमल, दैट कैन बी अ प्लेस, दैट कैन बी अ थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ को जानने के लिए कि वॉट इज दिस, वी शुड नो द नेम ऑफ दैट थिंग। हमें उस चीज़ का नाम पता होना चाहिए। यानी कि हम हर चीज़ को कुछ ना कुछ कहकर बुलाते हैं। इवन हम सभी लोगों को किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं, हम सभी चीज़ों को किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं, हम हर प्लेस को, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशन हो, हर चीज़ का एक नाम है। सो दैट ऑल द प्लेसेस आर नेमिंग वर्ड। सभी प्लेसेस का जो नाम है वो नाउन होगा। देन थिंग्स, हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, ईच एंड एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज नाउन। सभी लिविंग थिंग्स भी नाउन है और सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी नाउन है। इसके अलावा ऑल द कलर्स आर नाउन, ऑल द नंबर्स आर नाउन, एंड ऑल द सो मैनी फीलिंग्स आर देयर, जिन फीलिंग्स का कोई नाम होता है, लाइक आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो नाउन, क्योंकि एक फीलिंग का नाम है, दैट आई एम एंग्री। नाउ आई एम हैप्पी, दैट इज ऑल्सो अ नाउन, बिकॉज इट इज़ अ फीलिंग एंड दिस इज द नेम ऑफ फीलिंग, उस फीलिंग का नाम है। आई एम अपसेट, मैं परेशान हूँ, तो दिस इज द नेम ऑफ दैट फीलिंग, कि हम उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, दैट इज नेम ऑफ दैट फीलिंग। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दैट वॉट इज नाउन। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या है। So what is noun? So today's topic is noun. As I told you the definition, noun is the name of person, comma place, comma animal and things. As because you people are in the class 2, so this is complete definition for you. ये आपके लिए complete definition है, that is okay for you, but whenever you will move to the next classes, जैसे जैसे आप senior classes में जाएंगे, you will learn more about noun. आप इससे भी ज्यादा noun के बारे में जानेंगे. From this, now I can conclude this thing that nouns are naming words. Nouns जो होते हैं वो naming words होते हैं, यानी कि किसी भी चीज का जो नाम होता है वो noun होता है। अगर हम वापस इसी definition पे पहुंच जाएं, तो सबसे पहला word हमने लिखा है person. First we have written person. So who are noun in person? Person में noun कौन कौन है? Person कौन होते हैं? All the human beings are person. सभी जो इंसान हैं, जो living beings हैं, सभी person हैं। मैं, आप, मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ जी, अंकल, आंटी, your friends, your cousins, all are person. Before that, all the workers which help us, they all are person. They are human being and we have given them a name, ki this is doctor, this is teacher, this is madam, he is sir, he is your friend. So these all are noun. So when we talk about person, person, if we will start from your home, then mother. If mother is a person, then father is also person.
Then after father, your sister is also person. After sister, your brother is also person. Then cousin is also person. Then your neighbor are also person. In this way, the people surrounds you all are person. Uncle, aunt, grandmother, grandfather, then grandson, granddaughter, all are person. Now, कहते हैं कि कौन इंसान क्या काम करता है, the person who work. Then teacher, your teacher. I am your teacher, so I am also a person. Then student. आप मेरे student हैं and सभी persons हैं. Then doctor. डॉक्टर भी पर्सन है. देन पेशेंट, पेशेंट्स भी पर्सन है. देन ड्राइवर, ड्राइवर द पर्सन हु ड्राइव्स द कार, ड्राइवर इज अ पर्सन. देन पैसेंजर्स आर ऑल्सो पर्सन. सो द नेम ऑफ द पर्सन जो भी किसी से रिलेटेड होता है, लाइक टीचर्स आर रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर तभी होते हैं जब स्टूडेंट होते हैं, फादर मदर तभी होते हैं जब सन एंड डॉटर होते हैं. तो द पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑल आर नाउन, सभी ए नाउन होते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी दैट नेक्स्ट वर्ड ऑफ नाउन इज प्लेस. देन प्लेस, इफ वी विल, All the places are noun. All the places are noun. अगर मैं आपको कहूँ मुझे वहाँ जाना है, now कहाँ जाना है, how will you identify कि मुझे कहाँ जाना है? So I will tell you that I want to go to market. तब आपको पता चलेगा then I want to go to market. मुझे market जाना है. Then I will tell you I want to go to school. मुझे school जाना है. School is also place where we go to study. आप कहेंगे दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. देन यू विल से दैट आई एम गोइंग टू अ ड्राइव ऑन द रोड, ऑन द रोड. सो रोड इज ऑल्सो प्लेस, रोड भी एक जगह है जहां पर हम जाते हैं. देन आई वॉन्ट टू गो टू बैंक, मुझे बैंक जाना है. बैंक इज ऑल्सो प्लेस. देन आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना है. देन हॉस्पिटल इज ऑल्सो प्लेस. देन आई टेल यू आई एम गोइंग टू पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन. सो पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो प्लेस. देन आई विल गो टू देन मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव. दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ प्लेस. आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे, मुझे बॉम्बे जाना है. वाई डोंट यू गो टू दिल्ली, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? तो दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस, ये सब प्लेस हैं. सो दीज आर द नेम कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उस प्रॉपर जगह को हम क्या कहते हैं. सो दीज आर द नेम ऑफ प्लेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. Animals. Fine. Animals. So, can you tell me name of some animal? Dog, cat, bear, rat, elephant, then tiger, then lion, so on, then tortoise. Some more animal you can tell me? Zebra, then hippo. Okay? So these are the animals which we name daily. हम किसी ना किसी story में इनके बारे में सुनते हैं, हम किसी ना किसी article में इनके बारे में read करते हैं, या हम कोई news इनके बारे में सुनते हैं. तो we identify these animal by these name and these all are called noun. ये सभी क्या कहलाते हैं? Noun कहलाते हैं. Now we will talk about the things. Now we will talk about the things. Things. Student,
व्हेन यू कम टू स्कूल, जब भी आप स्कूल आते हैं तो आप अपना एक बैग अरेंज करते हैं. सो वी विल स्टार्ट नेमिंग द थिंग्स विच यू यूज डेली इन योर लाइफ, आपकी रूटीन लाइफ में. आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप सबसे पहले ब्रश करते हैं, ब्रशेस थिंग. देन आप बेथ करते हैं तो बकेट यूज करते हैं, दैट इज थिंग. देन आप मग यूज करते हैं टू टेक अ बाथ, दैट इज ऑल्सो अ थिंग. देन आप शावर यूज करते हैं, शावर इज ऑल्सो थिंग. आप बॉडी को वाइप करने के लिए टॉवल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग. देन आप मिल्क पीते हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग. देन आप मिल्क को ग्लास में पीते हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग. उसमें आप शुगर ऐड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ थिंग. आप ब्रेड खाते हैं ब्रेकफास्ट में, ब्रेड इज ऑल्सो थिंग. ब्रेड अकेली नहीं खाते, बटर के साथ खाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ थिंग. देन यू विल अरेंज योर बैग, आप बैग अरेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग. बैग्स में आप बुक रखते हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग. बुक्स के साथ आपके पास नोटबुक भी होती हैं, दैट इज ऑल्सो थिंग. वर्क करने के लिए आप पेन रखते हैं या पेंसिल रखते हैं. अब पेंसिल से अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपके पास इरेजर भी होता है. पेंसिल, अगर आपकी पेंसिल ब्लंट हो गई है तो उसको शार्प करने के लिए आपके पास शार्पनर भी होता है. देन आपके पास आपके लिए लंच बॉक्स भी होता है. देन लंच बॉक्स के साथ आपके पास वाटर बॉटल भी होती है. आपके पास वाटर बॉटल भी होती है. ओहो, आई फॉरगेट कि आप उससे पहले स्कूल के लिए रेडी भी होते हैं. तो स्कूल के लिए रेडी होने के लिए आप शर्ट भी पहनते हैं, बॉयज ट्राउजर पहनते हैं, गर्ल्स स्कर्ट पहनती हैं, शूज भी पहनते हैं आप लोग सॉक्स भी पहनते हैं. देन आप लेसेस भी टाई करते हैं. देन आप आई कार्ड भी पहनते हैं. इन दिस वे दीज आर द थिंग्स विच यू हैव, आई थिंक दीज आर द थिंग, ये वही चीजें हैं जो आपने मॉर्निंग में यूज किए. इसके अलावा इन द डे, इन द होल डे, पूरे कंप्लीट डे में आप इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें यूज करते हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स विच आई नेम्ड यू, और जो आपके आसपास है, दैट ऑल आर थिंग्स, ये सभी थिंग्स है. स्टूडेंट, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड द नाउन वेरी वेल. स्टूडेंट, नाउ वी हैव लेसन 4 इन दिस बुक, नेमिंग वर्ड्स नाउन. सो स्टूडेंट, यू विल कंप्लीट दिस वर्क इन योर बुक. इन योर बुक आप केवल ये वर्क अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे, एंड यू विल सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग. आप इसको चेक करने के लिए मेरे पास भेजेंगे. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी. आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो दैट दिस इज नाउन और नॉट, तो आप उसको मुझसे पूछ लेंगे. डू योर वर्क नीटली एंड क्लीनली, आप बहुत सुंदर तरीके से काम करेंगे, साफ सुथरा वर्क करेंगे. डोंट यूज इरेजर अगेन एंड अगेन, बार बार इरेजर यूज नहीं करेंगे. बट अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो डेफिनेटली यू शुड यूज द इरेजर. डोंट ओवर राइट ऑल्सो, आपको ओवर राइट करने की भी जरूरत नहीं है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक में से आपको ये वर्ड्स नाउन्स सारे उठाने हैं, एंड यू हैव टू कैटेगराइज ऑल द नाउन्स. आपको इन कैटेगरीज के नीचे डालने हैं. द फर्स्ट इज पर्सन, यू हैव टू राइट ऑल द पर्सन्स अंडर इट. देन प्लेसेस, सारे प्लेसेस आपको यहाँ लिखने हैं. देन एनिमल्स और बर्ड्स, ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स यू विल राइट हेयर. एंड इन द लास्ट कॉलम यू विल राइट नेम ऑफ ऑल थिंग्स, आप सभी चीज़ों के नाम लिखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड वट आई एम गोइंग टू, वट आई एम टेलिंग यू और वट आई एम टीचिंग यू. इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल राइट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स यू विल आइडेंटिफाई. डोंट रिपीट द वर्ड्स, जो कि आपने ऊपर वाले ब्लॉक में लिखे हैं वही सेम आप नीचे वाले में नहीं लिखेंगे. यू विल फाइंड फॉर सम फॉर मोर न्यू वर्ड्स, यू विल फाइंड सम मोर नाउन एंड यू विल राइट देम, बिकॉज नाउन तो अनलिमिटेड हैं. सो मेनी नाउन्स आर देयर एंड यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन राइट. इन लास्ट क्वेश्चन वी विल सी दैट यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन, एंड आपको इन नाउन को इन ब्लैंक्स में लिखना है. वो इन वन सेंटेंस देयर आर टू नाउन, हर सेंटेंस में दो नाउन है, और आपको उन नाउन्स को फाइंड आउट करना है और उन नाउन्स को इसके नीचे लिखना है. शीना गोज टू मार्केट, शीना एंड मार्केट,
both are noun. So you will write Sheena in one blank and market in another. But Sheena is a proper noun which I will teach you in next class. मैं आपको next class में सिखाऊंगी. तो Sheena you have to start from capital letter. Raju sing a song. Raju is noun and song is noun. So Raju and song. My brother is a doctor. Brother person है. So you will it is also noun. And doctor again a person and it is also noun. Tajmahal is in Agra. Tajmahal Agra में है. तो this will write. Bird fly in the air. Bird fly करती है air में. Bird are noun and then air is noun. Children like sweets. Children is noun and sweet are noun. Snow fall from on hill. Snow is noun and hill is noun. In this way you will find out the nouns and you will write down in the blank. Student, if there is any query, अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है, you can ask me, you can send me a message, you can drop a message, or you can call me to ask that thing. So, I hope you understand noun very well, or repeat it or revise it daily. आप इसको revise करेंगे, तो it will be better for you, या आपके लिए और भी अच्छा होगा. So, we will do next chapter or do next revision in our next class. Till that time, stay at home, stay happy, stay healthy, and do your work. Thank you.